सीक्वेंस इज अ टॉपिक जो क्लास 10, 11, 12 सारे एग्जाम्स सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर हम आईआईटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस? इफ सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफाइनाइट ऑर्डर आर कॉल्ड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अगर कुछ नंबर्स को हम एक डिफाइनाइट ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 1, 3, 5, 7। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2, 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, 3, 10, 17, 24 एक डिफाइनाइट ऑर्डर है। हर बार प्रीवियस नंबर में हम 7 एड कर रहे हैं, हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। एग्जाम्पल 3 आप देखें, -2, 4, -8, 16। हर बार प्रीवियस नंबर को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। सो दीज टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इन विच अ फिक्स्ड ऑर्डर इज फॉलोड इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स, इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं हो, इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट आता है सीरीज। अगर हम किसी सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, मीन्स कोई साइन पुट कर दें, तो जो सीरीज हमको, जो सीक्वेंस हमको मिलता है उसका नाम हम रखते हैं सीरीज। जैसे इफ वी राइट एनी सीक्वेंस इन T1+T2+T3 then the sequence is called series. Series are again of two types, infinite series and infinite series. Let's have some examples on writing the terms of a sequence. Write the first three terms of a sequence given by Tn is equals to n square plus 2. Here the nth term of a sequence is given to me, n square upon n plus 2. Now I need first term, so I will put n is equals to 1. 1 square upon 1 plus 2 is 1 by 3. Second term, I will put n is equals to 2. 2 square upon 2 plus 2. 4 upon 2 plus 2, 4, it is 1. Term number 3, 3 square upon 3 plus 2, that is 9 by 5. So it was a special question in which the nth term of the sequence was given और हमने उसकी तीनों टर्म्स लिखी थी। अनदर एग्जाम्पल, राइट द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय Tn इज इक्वल्स टू 1 upon 2n-1। ये nth टर्म किसी सीक्वेंस की दी हुई है, इसकी 15 हमको लिखनी है, मींस n को डालेंगे 15, तो 2 into 15 is 30-1, t15 आ गई 1 upon 29। अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर विच t1 इज 1, t2 is 2 and tn plus 2 is tn plus 1। हमको t1 दे रखा है, t2 दे रखा है और next 3 terms पूछी हुई है। और जो equation है उसमें हम n naturally negative में नहीं डालेंगे और 0 डालेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि minimum value 1 पड़ी है। तो t1 t2 पड़ा था, इस formula में अगर हम n को 1 put करें, we will get t3। If we put n is equals to 1, we get T3, that is T1 plus 2, T1 plus T2, for values डाल दी T1 की 1, T2 की 2, answer आ गया T3। अब मुझे लाना है T4, मैंने फॉर्मूले में n को 2 डाला, तो T2 plus 2, 4 is equals to T2 plus T3। इसको और ज्यादा क्लियरली ऐसे समझ लीजिए, n को 1 put किया, 2 put किया, या 2 put किया तो 2 plus 2, that is T2 plus T3 value आ गई 2 plus 3, 5। n को 3 put किया तो 3 plus 2, T5 हो जाएगा, so T3 plus T4, that is 3 plus 5, 8। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस पे कि nth टर्म हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। नाउ कम्स प्रोग्रेशन। अगर मैं किसी सीरीज को, सीक्वेंस को स्पेसिफाई
हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी इफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज इक्वल। अगर किसी भी प्रोग्रेशन के सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा तो उसको हम एपी कहेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज कॉल्ड एन एपी इफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। हर सक्सेसिव सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म की वैल्यू सेम अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू रही तो इसको हम कहते हैं एपी। दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड जनरली डिनोटेड बाय डी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें एक सीरीज है 2, 5, 8, 11। अगर आप डिफरेंस निकालें 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3, तो डिफरेंस 3 आ रहा है, मींस डिफरेंस सेम आ रहा है, इट इज एन एपी। अनदर एग्जाम्पल 5, 3, 1, -1, -3, -5। अगर मैं यहां डिफरेंस लाऊं 3 माइनस 9 की वैल्यू 2, 1 माइनस 3 की 2, -1, -1 इज -2, सब पर डिफरेंस -2 आ रहा है, 3 माइनस 5, -2, 1 माइनस 3, -2, -1, -1, -2, इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। सो व्हाट आई हैव टोल्ड व्हाट इज एन एपी। नाउ वी विल टेक हाउ टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एन एपी। Same. Another example, show that Tn is equal
आर देयर इन दिस एपी, आपके पास इस सीरीज में ए पड़ा है 20, डी आप ला सकते हो T2 माइनस T1 करके, वो 5 आ गया। अब मुझे ये नहीं पता है कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी है, तो आई अज्यूम लेट दिस सीरीज है एन टर्म्स। अगर इसमें एन टर्म्स है तो इसकी एन टर्म कितनी होगी 100। मैंने क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है तो Tn को मैंने 100 लिया, Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 20, a की वैल्यू 20 डाली, d की वैल्यू 5 डाली और इसको सॉल्व किया, मुझे n की वैल्यू मिली 17। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, 20 को उधर शिफ्ट किया, 100 माइनस 20 होता है 80। नेक्स्ट स्टेप में 5 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 आया 16, तो n की वैल्यू आ गई 17। मींस दिस एपी हैज 17 टर्म्स। नेक्स्ट एग्जांपल 4, द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 80 एंड 16th टर्म इज 110, आई नीड टू फाइंड 31st टर्म। मुझे किसी एपी की 11th टर्म और 16th टर्म दे दी और कोई 31st टर्म पूछ ली, मेरे पास क्या नहीं है, आई डोंट हैव द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मैंने अज्यूम किया लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, तो एनर टर्म का एग्जांपल है टीएन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, सो टी 11 क्या होगा, ए प्लस 11 माइनस 1 डी दैट इज ए प्लस 10 डी, उसकी वैल्यू आ गई 80। टी 16 क्या होगा, ए प्लस 16 माइनस 1 डी दैट इज ए प्लस 15 डी, उसकी वैल्यू आ गई 110। नाउ आई हैव टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड को सबट्रैक्ट किया, मुझे डी की वैल्यू मिल गई 6, डी की वैल्यू 6 मैंने फर्स्ट में पुट करी, ए प्लस 11 इंटू 6 इज 80, तो ए आ गया 20। नाउ आई नीड टर्म नंबर 31, सो ए प्लस 31 माइनस 1 डी, ए प्लस 30 डी, ए है 20, डी है 6, सॉल्व किया मुझे आंसर मिल गया 200। सो दीज वर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑन एपी, आप इनको ध्यान से देखिए। Now we will take another example. Example number 5. Find the first negative term of the sequence 2000, 1995, 1990, 1985. मुझे इस sequence का first negative term चाहिए। कौन सा होगा और उसकी value चाहिए? Here A मुझे first term दिया हुआ है 2000. B common difference में ला सकता हूँ 1995 minus 2000. That is minus 5. Let the first negative term be T n. So A प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0 होगा, ए और डी की वैल्यू मैंने डाली 2000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इज लेस देन 0, 2000 माइनस 5 एन प्लस 5 लेस देन 0, तो 2005 माइनस 5 एन लेस देन 0, 5 एन को शिफ्ट किया 2005 इज लेस देन 5 एन, पूरे इक्वेशन को उल्टा लिख लेना, 5 एन इज ग्रेटर देन 2005, एन इज ग्रेटर देन 2005 बाय 5, डिवाइड करें तो एन शुड बी ग्रेटर देन 401, ऐसा एन लेना है जो 401 से बड़ा हो, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी 402, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 412 टर्म और उसकी वैल्यू टी 402 विल बी ए प्लस 402 माइनस 1 डी, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई -5। वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, pth term of an AP is Q and qth term of AP is P, we need to find P plus qth term, pth term दे रखी है Q, qth term दे रखी है P, मुझे चाहिए P plus qth term, तो let the first term of AP be A, common difference be D, Tn का formula है A plus N minus 1D, तो Tp क्या होगा, A plus P minus 1D is Q, और TQ होगा A प्लस Q माइनस 1 डी इज P। अब मेरे लिए A और D अननोन क्वांटिटीज हैं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, मैंने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A कैंसिल हो गया, P माइनस 1 डी माइनस Q माइनस 1 डी इज Q माइनस P, लेफ्ट हैंड साइड में D कॉमन, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इज Q माइनस P, D 1 1 कैंसिल, P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P, तो D की वैल्यू Q माइनस P अपॉन P माइनस Q, एक माइनस का डिफरेंस तो डी आ गया -1। अब अगर डी को -1 का वन में पुट कर दूं तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई दैट इज क्यू, ये माइनस बदल में प्लस, तो पी -1, तो ए हो गया क्यू प्लस।
प्लस पी माइनस वन, ए और डी मुझे अनोन में मिल गए, तो डी पी प्लस क्यू विल बी ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, ए की वैल्यू डाल दी क्यू प्लस पी माइनस वन, बी की डाली माइनस वन, ब्रैकेट को ओपन किया, सब कैंसिलेशन हो गया, आंसर जीरो आ गया, मीन्स पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो. अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेवन, इफ एम टाइम्स द एमथ टर्म ऑफ ए एपी इज इक्वल टू एन टाइम्स द एनथ टर्म, फाइंड एम प्लस एनथ टर्म. किसी एपी का एम एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म इज इक्वल टू है एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, तो मुझे क्या चाहिए एम प्लस एनथ टर्म. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी, ये फिर से मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी डी, पीएन का फॉर्मूला है ये, गिवन क्या है एम टाइम्स पीएन इज एन टाइम्स पीएन, एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन डी इज एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन डी, ब्रैकेट ओपन किया एम ए प्लस एम एन माइनस वन डी इज एन ए प्लस एन एन माइनस वन डी, सेम टर्म्स को एक तरफ रखें, ए ए को एलएचएस में लिया है एम ए माइनस एन ए, डी को आरएचएस में भेजा एन एम माइनस वन डी माइनस एम एम माइनस वन डी, आरएचएस में डी कॉमन, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, थोड़ा रीअरेंज करते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए, एम माइनस एन को पहले लिखा और इसमें से माइनस कॉमन लेके एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई कैन हैव द फैक्टर्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जो एम माइनस एन तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर एम प्लस एन बच गया, ये एम माइनस एन से एन माइनस एन कैंसल, ए की वैल्यू आ गई डी इंटू वन माइनस एन माइनस एन. ये सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन का है या हमने फैक्टराइजेशन किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ए आ गया डी इंटू वन माइनस एन माइनस एन, तो मुझे लाना है टी एन प्लस एन, वो होगा ए प्लस एन प्लस एन माइनस वन डी, मैं ए की वैल्यू ए डाल देता हूँ, डी इंटू वन माइनस एन माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, डी कॉमन लिया सब कैंसिल हो गया जीरो आ गया. अनदर वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर एट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी द पी क्यू देन आर टर्म्स ऑफ एन एपी देन प्रूव दैट ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. अगेन मेरे पास यहां फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं है, यूजुअली मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए लेता हूं, पर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए दिया हुआ है, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी, तो जीएन का फॉर्मूला भी कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी. नाउ पीपी क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी स्मॉल ए, पी क्यू होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी स्मॉल बी, और टी आर होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी स्मॉल सी. ये तो गिवन था, अब मुझे जो प्रूव करना है वो लिखा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू जीरो. ए बी सी की वैल्यू वन टू थ्री से मैं इसमें पुट कर देता हूं, क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस वन डी, आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस आर माइनस वन डी, ब्रैकेट ओपन करते हैं ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू बी इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू बी इंटू आर माइनस पी प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू बी इंटू पी माइनस क्यू. तीनों ए वाली टर्म में से ए कॉमन ले लिया और सारी डी वाली टर्म में से डी कॉमन लिया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, प्रोडक्ट किया, देखिए ए के अंदर सारी टर्म्स कट गई, बी के अंदर भी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, आई एम गेटिंग ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो दैट इज जीरो व्हिच इज ट्रू. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑन nth term of AP. In this video we have learned what is a sequence, what is a series, what is a AP, what is the nth term of AP and examples of AP. Go through these examples and if you feel any problem, comment me in the comment box.